देश में जल्द ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी कमर कस ली है। जहां विपक्षी पार्टियों ने पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने चित परिचित अंदाज में सभी को चौंकाते हुए आदिवासी महिला और पूर्व में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें कि आंकड़ों में भाजपा का पक्ष काफी मजबूत होने की वजह से द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। तो आइए जानते हैं देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें। द्रौपदी मुर्मू देश की उन कद्दावर महिला शख्सियतों में से एक हैं जो आदिवासी हितों की चिंतक और उनकी संरक्षक रही हैं। वे अपने जीवन काल में महिला हितों की रक्षा व आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक समानता के लिए लगातार प्रयासरत रही हैं। आदिवासी और महिलाओं के समग्र विकास हेतु उन्होंने झारखंड में राज्यपाल रहते हुए कई बार राज्य सरकार को सीधे ही निर्देश दिए ताकि वे भी विकसित समाज का अंग बन सकें। वे हमेशा से चाहती थी कि उनके समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़े, जिससे वे राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सामाजिक सर्वीकरण के विकास की ओर बढ़ सकें। वह उसी आदिवासी समाज की महिला रही हैं जो हमेशा से संसाधनों की कमी व राजनीतिक समानता ना मिल पाने की वजह से आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मौलिक आवश्यकताओं की कमी से जूझ रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन के संघर्ष और दुखों को स्वयं से दूर कर अपना सारा जीवन अपने समाज और देश की अच्छाई के लिए अर्पित कर दिया है। वह झारखंड की एकमात्र महिला राज्यपाल हैं और देश की पहली महिला आदिवासी हैं जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा द्वारा नामांकित किया गया है। भाजपा पर उनके विपक्षी दल हमेशा से वोट बैंक की राजनीति व दलित वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आरोप लगाते आए हैं। इन आरोपों का निराधार होने का सबसे ताज़ा उदाहरण है द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा में बीजेपी और बीजू जनता दल की गठबंधन सरकार में दो बार कैबिनेट मंत्री रहीं और अब देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद भी उनकी ओर देख रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक संगठन के तौर पर कई बड़े दलित नेता तराशे हैं। मौजूदा हालात में बीजेपी का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा द्रौपदी मुर्मू ही हैं। आपको ये भी बता दें कि द्रौपदी मुर्मू का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उड़ीसा के रायरंगपुर नामक एक छोटे से गांव के आदिवासी परिवार में जन्मी मुर्मू आज रायसेना हिल्स तक पहुंचने की रेस में शामिल पहली महिला आदिवासी हैं और उनका पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वह सत्ताधारी दल की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं जिनकी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है और साथ ही देश के आधे से अधिक राज्यों में उनके घटक दलों की गठबंधन की सरकार है। मुर्मू का जीवन भारी संघर्ष, दुख और तकलीफों को अपने आंचल में छिपाए हुए है। उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बदोपोसी गांव में एक संथाल आदिवासी बरंची नारायण टुड्डू के घर हुआ था। मुर्मू के पिता और उनके दादा दोनों ही ग्राम प्रधान रहे, जिनके कारण उनका बचपन ग्रामीण राजनीतिक परिवेश में बीता, जहां उनके पिता का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और आदिवासी उत्थान की शिक्षा का बीज उनके पिता द्वारा ही उनके बाल मन में रोपा गया। बाद में उनकी शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई और उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें से 2 बेटे और 1 बेटी है, जिनमें दोनों बेटे और पति की असमय मृत्यु हो गई, जिसने द्रौपदी मुर्मू को अंदर तक झकझोर के रख दिया और अपने पति और बेटों के निधन से मुर्मू पूरी तरह टूट चुकी थी। साथ ही साथ वह अवसादग्रस्त भी हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को धीरे धीरे संभाला और अपने जीवन को आदिवासी समाज के उत्थान में लगा दिया। 2009 में उन्होंने अपने पहले बेटे को खोया, उसके बाद 2013 में दूसरे बेटे को और साल 2014 में उनके पति का निधन ने उनको बिल्कुल अकेला कर दिया। वे इतने बड़े दुख से निकलने के बारे में एक साक्षात्कार के दौरान बताते हुए रो पड़ती हैं। वे कहती हैं, मैंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने अपने 2 बेटे और पति को खो दिया है, मैं पूरी तरह से तबाह हो गई थी, लेकिन भगवान ने मुझे लोगों की सेवा करते रहने की ताकत दी है। द्रौपदी मुर्मू की एक ही संतान बची है जो कि है उनकी बेटी इश्री मुर्मू, जिनकी शादी गणेश चंद्र हेम्ब्रम से हुई है। राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में कम ही हिस्सा लिया और वो केवल अपनी बेटी के यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में ही जाती थी। उनका अधिकतर समय मंदिरों में और आदिवासियों के बीच देखा जाता रहा है। द्रौपदी मुर्मू की प्रारंभिक जीवन की शुरुआत बतौर शिक्षक के रूप में हुई थी। उन्होंने श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च में सहायक शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दी। उसके बाद वे कुछ समय के लिए सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर भी कार्यरत रहीं। अगर बात करें
मुर्मू के राजनीतिक सफर की। अपने पति और बच्चे को खोने के बाद मुर्मू ने कठिन परिस्थितियों में और मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का डटकर सामना किया और उन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष आदिवासी और महिलाओं के सेवा में बिता दिए। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उड़ीसा के राजनंदपुर जिले से की। वहाँ से वो पहली बार पार्षद चुनी गई, फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने उड़ीसा में रहकर वहाँ के आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी। कहा जाता है कि मुर्मू बहुत ही कम समय में आदिवासियों की ओर से बोलने वाली प्रखर वक्ता बन गई और राज्य में बड़े आदिवासी नेताओं के रूप में उनकी पहचान होने लगी। इसके बाद भाजपा ने उनको उड़ीसा जनजाति मोर्चा इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। साल 2002 से लेकर साल 2009 तक मयूरभंज से भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में वे पार्टी में कार्यरत रहीं। भाजपा के टिकट पर मुर्मू दो बार विधायक भी चुनी गई और नवीन पटनायक की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहीं। सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए उड़ीसा विधानसभा ने उन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी और राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। आइए एक नज़र डालते हैं द्रौपदी मुर्मू के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल की ओर। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल 17 मई 2021 को समाप्त हुआ। झारखंड में राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल विवादों से परे रहा। साथ ही साथ झारखंड में 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने वाली वे पहली राज्यपाल बनी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आदिवासियों और बालिकाओं के हितों को सबसे ऊपर रखा और उनके अधिकारों को लेकर सजग रहीं। झारखंड में राज्यपाल रहते हुए उन्होंने राज्य सरकार के कई विधेयकों को वापस करने का साहसिक निर्णय लिया, जिनमें आदिवासी हितों की अनदेखी की गई थी। रघुवर दास सरकार में उन्होंने CNTSPT संशोधन विधेयक के साथ सोरेन सरकार में जनजातीय परामर्शदात्री समिति के गठबंधन से संबंधित फाइलों को कई आपत्तियों के साथ पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस किया। उनके इस साहसिक कदम का देश की राजनीति में खूब सराहना की गई। झारखंड में विश्वविद्यालयों के नामांकन को सरल एवं सहज बनाने के लिए उद्देश्य से उन्होंने चांसलर पोर्टल की शुरुआत की, जिससे सभी विश्वविद्यालयों से संबंधित कॉलेज के छात्रों को एक साथ नामांकन कराया गया। ये झारखंड में पहली बार था जब छात्र हितों को ध्यान में रखकर किसी राज्यपाल ने एडमिशन की प्रक्रिया में सुधार किया हो। राज्यपाल के रूप में वह हमेशा छात्रों और दलित पिछड़े समाज के बीच रही। वह उनके हितों के लिए समय समय पर आवश्यक कदम भी उठाती रही। मुर्मू एक राज्यपाल के रूप में झारखंड में काफ़ी लोकप्रिय रही, जिससे जनता के साथ उनके सहज जुड़ाव का भी अनुभव होता है। तो ये थी द्रौपदी मुर्मू से जुड़े उनके राजनीतिक और पारिवारिक सफर की कुछ जानकारियाँ। जाते जाते आपको एक रोचक जानकारी और दे दें कि 21 जून के शाम को जब बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने NDA के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की घोषणा की, जब ये घोषणा हुई तब द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में अपने घर में थीं। उनको पहले से कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिली थी। TV चैनलों में चल रहे न्यूज़ से उनको पता चला कि वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद उन्होंने पत्रकारों को कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं और खुश भी, क्योंकि मुझे राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है। मुझे टेलीविज़न देखकर इसका पता चला। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और मैं अगर इस पद के लिए चुन ली गई तो राजनीति से अलग देश के लोगों के लिए काम करूँगी। इस पद के लिए जो संवैधानिक प्रावधान और अधिकार हैं मैं उसके अनुसार काम करना चाहूँगी। इससे अधिक मैं फिलहाल और कुछ नहीं कह सकती। आपको बता दें कि साल 2017 में भी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम चल रहा था, लेकिन उस समय बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। बतौर राष्ट्रपति उनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।